नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया, मैं अमित भोबिया। दोस्तों, बहुत से लोगों के सवाल आ रहे थे कि हम लोग कनाडा के अंदर जमीन कैसे खरीद सकते हैं, कैसे कनाडा के अंदर जाकर एग्रीकल्चर कर सकते हैं, क्या बिना आईलेट्स के भी हमें वहां पर जाने का मौका मिल सकता है। तो मैं आपको आज उसी के बारे में बताऊंगा कि किसान भाइयों के लिए कनाडा की सरकार क्या सुविधाएं देती हैं और क्या वहां पर आपका जो है नियम है कनाडा के अंदर जाकर जमीन खरीदकर वहां पर खेती करने का, तो हम उसको ध्यान से समझेंगे। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ऑल के ऊपर क्लिक कर लीजिए और इसी के साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। मैं पूरा प्रयास करूंगा आपके सवालों का जवाब देने के लिए। लिंक इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। अगर हम कनाडा के अंदर जमीन खरीदने की बात करते हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए वर्ल्ड बैंक की उस रिपोर्ट का जिसके अंदर बताया गया है कि कनाडा के अंदर एग्रीकल्चर लैंड है कितना। तो यह ग्राफ जो आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर पता लग रहा होगा कि 6.4% लैंड ही वहां पर है जिसके ऊपर एग्रीकल्चर होता है। और इसी मैप के अंदर अगर आप इंडिया का नाम देखते हैं तो भारत के अंदर पहले तो 61 के आसपास होता था, लेकिन अब हम 60% के आसपास जो है लैंड जो है उसके ऊपर एग्रीकल्चर होता है। तो दोनों ही देशों में एग्रीकल्चर लैंड के अंदर काफी डिफरेंस है। वैसे अगर आप कनाडा को देखते हैं तो बहुत बड़ा है, लेकिन खेती योग्य भूमि बहुत ही कम, मात्र 6.4% उनके पास है। दूसरा, कनाडा के अंदर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स जो हैं उनके बीच में काफी डिफरेंस है। जैसे फेडरल सिस्टम वहां पे है, आपको मालूम ही होगा, सेंटर के सारे नियम स्टेट्स पे नहीं लागू होते और हर स्टेट का अलग अलग नियम है। तो वहां पर जो एग्रीकल्चर लैंड के मामले में है तो बहुत सी स्टेट्स तो बाहर वालों को अलाउड करती हैं, लेकिन बहुत सी स्टेट ऐसी है जो बाहर वालों को अलाउड नहीं करती। अगर हम बात करें पूरे कनाडा के अंदर बेस्ट एग्रीकल्चर लैंड कहां पे है, तो वो है सास्कैचुना स्टेट है, इस स्टेट के अंदर सबसे बेस्ट है। लेकिन एक बात यहां पर देखेंगे कि अगर आप यहां का फार्म सिक्योरिटी एक्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 10 एकड़ से ज्यादा भूमि आप अगर बाहरी हैं तो नहीं खरीद सकते, और खरीदते हैं तो भी उसमें कई प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस हैं। हां, वहां पर एक चीज खत्म हो जाती है कि आपको आईलेट्स किया हुआ है, यह जरूरत नहीं है। लेकिन रिस्ट्रिक्शंस और बेसिक्स कैसे हैं उनको थोड़ा समझ लीजिए। मैं इसी स्टेट का पहले आपको बता देता हूं। इस स्टेट के अंदर अगर आपको जमीन खरीदनी है तो वहां पर जैसे वहां की पॉलिसी आई थी लगभग शायद 2020 में आई थी एक, उसके मुताबिक क्या क्या होना चाहिए। जैसे मैं भारत का हूं, मुझे कनाडा में जाके जमीन खरीदनी है तो मेरे पास 5,00,000 कैनेडियन डॉलर की प्रॉपर्टी भारत में होनी चाहिए, जो लगभग 2,80,00,000 के आसपास हो जाती है। उसके साथ साथ वो डॉलर ऊपर नीचे होता रहता है, उसके हिसाब से देख लेना, लगभग 2.75 से 2.80 के बीच में हो जाती है। उसके साथ साथ मैं जब वहां पे जाऊंगा तो मुझे एक प्रोमिस बॉन्ड भरना होगा, जो मैं इस गवर्नमेंट को $75,000 का जो है प्रोमिस बॉन्ड दूंगा, जो लगभग 41-42 लाख रुपए के आसपास का है, कि भाई अगर मैं आपके सारे के सारे जो नियम कानूनों को मानता हूं तो जब मुझे पीआर दे दो तब ये प्रोमिस बॉन्ड जो है ये मेरा वापस दे देना, यानी $75,000 मेरे वापस दे देना, वो 41 लाख रुपए के आसपास है। अगर पीआर नहीं मिल पाएगी, कोई दिक्कत हो गई तो मेरे वो भी लग जाएंगे, तो जो हो गए 41 लाख के आसपास। दूसरी बात, वहां पे $1.5 लाख कैनेडियन डॉलर जो है मुझे इन्वेस्ट करने होंगे एग्रीकल्चर के अंदर। तो वो इन्वेस्टमेंट ऐसे तो है नहीं कि मैं पैसे झोले में भर के ले गया और भाई मैं कर दूंगा। वहां पर जाकर मुझे जो है वहां की मशीनरीज परचेज करनी होगी, वहां पे इन्वेस्टमेंट दिखानी होगी भी मैं कहां कहां कर रहा हूं, इतना ड्रिप लगाया, इतना बाग लगाया, इतना ये किया, जो लगभग 81-82 लाख रुपए के आसपास है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि अगर आपके पास 3 करोड़ रुपए और मतलब 4, 4.5 या 5 करोड़ रुपए भारत में हैं तो फिर आपको बाहर जाकर खेती करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे वहां की जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी फुलफिल नहीं हो पाएंगे। 100 पॉइंट्स मिलेंगे जी, 55-60 पॉइंट तो आपको लेने जरूरी हैं। अब भारत के कुछ जो हैं कलाकार आदमी जो वहां पर बैठे हैं, इमिग्रेशन का काम करवाते हैं, आपका संपर्क सीधा जहाज से वहां से करवाते हैं, वो लोग खुद पैसा बनाने के चक्कर में भारत के किसान को इस बात में फंसा लेते हैं कि चलो तुम्हें लैंड दिला देंगे, वहां पर लैंड कैसे दिलवाएंगे, ये भी तो सोचने का विषय है। अगर हम बात करें सास्कैचुना स्टेट की, यहां पर तो 10 एकड़ से ज्यादा नहीं ले पाएंगे। चलो हम चलते हैं अल्बर्टा में, अल्बर्टा के अंदर 20 एकड़ से ज्यादा नहीं ले पाएंगे। अगर हम ब्रिटिश कोलंबिया की बात करें जहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है,
लेकिन वहाँ के नियम फॉलो करने पड़ेंगे, वहाँ की ज़मीन में इतना दम नहीं है। अगर हम बात करें क्यूबिक की तो वहाँ पर अलाउड ही नहीं है उस स्टेट के अंदर। अगर हम बात करें नोवा स्कोटिया के अंदर तो वहाँ पर हम ले सकते हैं लेकिन ज़मीन काम की नहीं है। अगर हम बात करें प्रिंस एडवर्ड आइसलैंड के बारे में तो वहाँ पर जो लैंड प्रोटेक्शन एक्ट है उसके द्वारा जो कॉरपोरेशंस जाती हैं और इंडिविजुअल्स जाते हैं उनको लगभग बड़े बड़े फार्म दिए जाते हैं, तो उतना बड़ा फार्म 1000 एकड़ का जो है वो हम खरीद ही नहीं पाएंगे, उसके लिए हमें 10-15 करोड़ रुपए लेने पड़ेंगे। और उसके बाद में हम बात करें मैनिटोबा की, मैनिटोबा एक स्टेट है, तो वहाँ पर फार्म लैंड ओनरशिप एक्ट जो है उसकी सारी की सारी रिस्ट्रिक्शंस को आपको पार करना पड़ेगा और उसके बाद आप ज़मीन ले पाएंगे। तो मेरा मानना है कि जिस देश के अंदर ज़मीन के हालात इतने बुरे हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट को बहुत पैसा खर्च करके ज़मीन को उपजाऊ बनाना पड़ता है, वहाँ पर जो एग्रीकल्चर लैंड मानी जाती है कि एग्रीकल्चर लैंड है उसको क्या चाहिए, कम से कम 5 साल वहाँ पर खेती हुई होनी चाहिए तब जाकर। तो बहुत से किसान क्या करते हैं, पशुओं के लिए चारा बो देते हैं, 5 साल के लिए गवर्नमेंट को वही दिखाते रहते हैं। जैसे भारत के अंदर आया था राजस्थान के अंदर एक ड्रिप सिस्टम लेने का सिस्टम आया था कि 2 साल तक सब्जी बो, उसके बाद आप लैंड पे दिखाते रहो, उसके अंदर जो माल पटवारी आता है उसको लिखवाते रहो कि भाई हमने इस बार जो है सब्जी बोई है, तो 2 साल बाद आपको ड्रिप मिल जाती थी। तो वैसा ही वहाँ पे सिस्टम है, फ्रॉड वहाँ पे भी होते हैं, भारत में भी होते हैं। तो ऐसे कामयाब की जाती है और वो 6.4% आपको लैंड दिखाई दे रही है। तो मेरा मानना जो है वो बेसिकली ये है कि अभी जून 2022 के अंदर एक एक्ट बना था वहां पे, द प्रोहिबिशन ऑन द परचेज ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बाय द नॉन कैनेडियंस, वो जनवरी 2023 से लागू हो जाएगा। और उसके बाद में अपन वहां जाकर घर खरीदते हैं जो, वो भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कनाडा के अंदर जो खुलापन था जमीन ने जी, वहां पे फलाना सरदार साहब के पास इन्ने किले जमीन पई है, फलाने को इन्ने किले पई है, वो सारा क्या था, वो 1995 के आसपास वहां पे कई गांव खाली हो गए थे और उस कारण उन्होंने खुलापन दिया था। तो वहां पर हम बहुत ज्यादा मात्रा में बस गए और हमारे जो पंजाब के भाई बंधु है वो तो सारे दे सारे जाके उत्थे बैठ गए, इतने पिंड खाली हो जाते हैं सारे उत्थे बैठे ने, तो बिहार वाले जड़े ने वो सारे के सारे पंजाब के पिंडा च आई जाते हैं, तो आप खुद समझ लो। तो मेरा मानना है कि कनाडा के अंदर जाकर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके जमीन खरीदने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, कनाडा के अंदर जाकर अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो व्यापार के अंदर कीजिए, क्योंकि व्यापार के अंदर जो लोन का काम है ना वो अमेरिका और कनाडा का, दोनों का जो है बैंक भी कुछ ऐसे हैं जो मर्ज है आपस में, दोनों एक जैसे रूल्स को फॉलो करते हैं, तो वो काम कर सकते हो। लैंड लेने का कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से, तो बाकी आपकी इच्छा। जब भी लें तो किसी सुलझे हुए आदमी से जरूर बात करें जो कनाडा और इंटरनेशनल पॉलिसीज के बारे में जानता हो। खैर, देखते रहिए ABC इंडिया।